सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू। और अभी फ़िलहाल हम अपने काम से आए थे इधर और वापस लौट रहे थे। बट आपको एक और बात बता दें कि जब हम उस साइड से आ रहे थे ना, तो क्या था कि हम देखे कि GPO टू आर ब्लॉक जो नया फ्लाईओवर बना है ना, उसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है वो पूरा स्ट्रीट लाइट ऑन था। तो हमको देख के थोड़ा मतलब ये अचानक से नहीं होता है, तो हमको लगा ऐसा तो नहीं है कि कहीं रोड चालू हो गया है और इनोग्रेशन हो गया, पता भी नहीं चला। बट ऐसा हो नहीं सकता, इनोग्रेशन तो नहीं हुआ होगा, बट पूरा लाइट स्ट्रीट लाइट ऑन था। तो हमको मन हुआ क्यों ना चलते हैं, चल के वीडियो बनाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ का सीन और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम उसका वीडियोस बना चुके हैं और इसी मार्च में होने वाला उसका इनोग्रेशन, और काम जो है वो लगभग कम्प्लीट हो चुका है। इवन 95% तक काम तो हो गया है, थोड़ा बहुत काम जो बाकी है वो आने वाले टाइम में जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। तो बस जब इच्छा होगा ना, उस दिन रिबन कट सकता है और मार्च में ही चालू हो जाएगा। आई होप शो कि चालू हो जाए, क्योंकि वो जो है ना बहुत जाम झेलवा रहा है उस फ्लाईओवर की वजह से। पूरा GPO जो है ना वो पूरा जाम रहता है ऊपर का फ्लाईओवर ड्यू टू रीज़न वही। तो फाइनली हम चढ़ रहे हैं आर ब्लॉक फ्लाईओवर पे और देख सकते हैं यादपुर साइड से हम एंट्री किए हैं और चलते हैं आर ब्लॉक फ्लाईओवर गोलंबर पे और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। और एक और बात बता दें कि अभी पटना में रिसेंट में जितना भी फ्लाईओवर बन रहा है ना, उसमें ये जो स्ट्रीट लाइट लग रहा है और उसके नीचे जो ये लाइट लग रहा है राउंड राउंड, ये हम स्टार्टिंग में उनको लगता था डेकोरेट करने के लिए ये लाइट लगा है, बट ऐसा नहीं है, ये परमानेंट फिक्स हो गया है। और ये देख के काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं काफ़ी लाइटनिंग दिख रहा है। जी दोस्तों, ये है अटल पथ, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है अटल पथ। और पटना जो है वो डे बाय डे बहुत डेवलप कर रहा है, आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरेज में आपको देख के ऐसा फील हो रहा होगा। और ये फाइनली पहुंच गया आर ब्लॉक गोलंबर पे। तो उस साइड में है वो रोड आर ब्लॉक GPO गोलंबर, तो देखते हैं चल के। पहले साइड तो लाइन लगा हुआ है, लेफ्ट साइड होते हैं तो वहाँ चल के देखते हैं। देख रहे हैं पूरा स्ट्रीट लाइट ऑन है कंटिन्यूस, तो हमको लगा कहीं रोड चालू नहीं हो गया है। इस साइड से बाइक भी आ रहा है, खैर हम तो नहीं जाने वाले हैं। बट आप देख सकते हैं ये रोड चालू नहीं हुआ है बट स्ट्रीट लाइट ऑन हो गया है, तो ये एक गुड न्यूज़ है अपने लिए। और कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला, हमको लगा कि शायद आपको दिखा सकें, अच्छा लगेगा। तो आई होप शो कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मेन जो मोटिव था ना वो हम नीचे साइड से जा रहे थे तो हम देखे स्ट्रीट लाइट ऑन है, तो ऊपर से देखने आए थे बस, और आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करने आए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारा काम लगभग हो चुका है, जल्दी ही आने वाले टाइम में इसका इनोग्रेशन होगा और उसका वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर आने वाला है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है ना दोस्तों, कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, मतलब दिल से प्यार देते हैं ना, तो वीडियोज़ बनाने का मज़ा ही अलग होता है। मतलब वीडियोज़ तब बनाते हैं जब इच्छा होता है, तो उस समय का जो व्लॉग होता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। मतलब वीडियो देखने में भी मज़ा आता है, समझ आता है कि हाँ मतलब जो व्लॉग कर रहे हैं वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली आपसे बात करते करते आ गए हैं इनकम टैक्स गोलंबर और यहाँ वापस बैक टू पवेलियन जाम में आ गए हैं। तो यहाँ इतना ट्रैफिक जाम क्यों है, तो लग रहा है कोई VIP एंट्री होगा, तो उस वजह से बाइक तो बंद कर दी है, पेट्रोल होते जा रहा है महंगा। बट एक वाइट गुड न्यूज़ आया है, गुड न्यूज़ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स घटाने वाली है। भगवान घटा दे, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा होता है और हम लोग जो बाइक राइडर हैं हम लोग को पेट्रोल प्राइस तो बढ़ता घटता है उससे तो वैसा नहीं है, आदमी उतना ही ट्रैवल करता है, बट फिर भी पॉकेट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। पेट्रोल प्राइस कम हो जाए ज़्यादा अच्छा है। फाइनली हम लोग फिर यहाँ देखे शायद निकल जाए साहब, परेशान जाम छूटते सब लोग परेशान पुलिस वाले कमेंट नहीं करेंगे ऐसा है।
सपोर्ट, क्योंकि आप अपने भाई को सपोर्ट करते हैं ना तो वीडियो बनाने में हमको बहुत मज़ा आता है। तो मेनली ऐसा कुछ नहीं था, बस लौट रहे थे और अपना काम भी करते रहते हैं, साथ में ब्लॉग भी करते हैं, तो थोड़ा टाइम का भी इशू हो रहा था, इस वजह से अभी ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं। बट आने वाले टाइम में इस चीज़ को मेंटेन कर देंगे कि हम रोज़ ब्लॉग कर पाए और अपने काम के साथ ब्लॉग कर पाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। इसके लिए हम थोड़ा मॉर्निंग शेड्यूल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग शेड्यूल में उठें और मॉर्निंग में ब्लॉग करें और फिर अपने काम में इंगेज रहें तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं क्या कर पाते हैं, आने वाले ढेर सारे ब्लॉग में पता चल